नमस्कार। राजनीति के इस माहौल में अगर आप लोग भी अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो हमें बताइए। जी हाँ, आपकी बात को सुनने के लिए और आपकी बातों को उचित तरीके से रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके बीच में आए। जी हाँ, इन दिनों वैसे हम लगभग काफ़ी लोगों से बात कर रहे हैं, मगर काफ़ी मैसेज ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप हमारे गाँव में आइए, हमारे कस्बे में आइए, हमारी बात भी सुनिए। तो बस उन्हीं बातों को सुनने के लिए राजसमंद एक्सप्रेस अब आपके बीच आ रही है। हालांकि उपचुनाव जब हमने कवर किया था तब भी हम गांव-गांव गए थे, वहां चौपाल लगाई थी, कुछ ऐसी ही कोशिश हम इस बार फिर से करने जा रहे हैं। 6 विधानसभाएं हमने प्राथमिकता से चुनी है। थोड़े से कुछ जब आप अगर हम बुलाएं थोड़ी सी कुछ ध्यान रखने वाली बातें मैं आपको बता दूँ। जो 6 विधानसभाओं के लोग हैं पहले तो वो बता दूँ, जिसमें कि राजसमंद जिले की 4 विधानसभा, नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़ और भीम। उसके बाद आप चाहे तो मावली और वल्लभ नगर से हैं तो भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि वल्लभ नगर का चुनाव हम पूर्व में कवर उपचुनाव कर चुके हैं, तो फिर वहाँ काफ़ी गांव हमने देखे हुए हैं, तो वापस जाने की इच्छा भी है। देसूरी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हम आ सकते हैं। तो अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर हमें अपना नाम और गाँव का नाम लिख कर भेज दीजिए, ताकि जैसे ही उस तरफ का कार्यक्रम बनेगा हम वहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। ध्यान सिर्फ इतना से रखना है कि आप जब भी वो कार्यक्रम रखें, जब भी हम उधर आएँ और आप लोगों से बात हो, दोनों ही राजनीतिक दलों के लोग वहाँ पर मौजूद हो। अगर वल्लभ नगर की तरफ आए तो वहाँ जो 3-4 राजनीतिक दल हैं उन सभी के लोग वहाँ मौजूद हो, ताकि सभी लोग अपनी बात रख सके, सभी का पक्ष सुनकर हम सामने ला सके। तो बस आपको बता दिया है कि हम आपके बीच में आने के लिए तैयार है, आपके साथ वो चौपाल लगाने के लिए तैयार है। जल्दी से हमें बताइए कि कौन कौन हमें अपने घर, अपने गाँव, अपने कस्बे में बुलाना चाह रहा है। और आपसे ये आग्रह है कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात सुन सके, बात रख सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।